हेलो दोस्तों, वेलकम और ग्रीन हाउस नर्सरी। दोस्तों, आज हम अपने ग्रीन हाउस नर्सरी में आप लोगों को दिखाएंगे हम ट्रेन पार्सल कैसे पैकिंग किया जाते है और ट्रेन पार्सल कस्टमर के घर पहुंचने के बाद पौधे को क्या कंडीशन में पहुंचते हैं पौधे, वो आज हम इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे। कस्टमर ने जो हमको रिव्यू वीडियो भेजा उस वीडियो को भी हम इस वीडियो के अंदर जोड़ देंगे, तो आप लोग देख सकते हम कैसे पार्सल करते हैं और पार्सल कस्टमर के घर पहुँचने के बाद किस कंडीशन में पौधा पहुँचते हैं वो आज पूरे इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग ये देख सकते हो, ये हमारी ट्रेन पार्सल की पैकिंग किया जा रहा है। जो आम की पौधा है बहुत अच्छी तरीके से पैकिंग किया जा रहा है, जो एकदम कस्टमर के घर पे सेफली पौधा पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, इधर भी ये सब हमने पैकेजिंग कर रखे हैं, एकदम पूरी तरह रेडी हो चुका है और ये कस्टमर के घर पे जाएगा। ट्रेन पार्सल कस्टमर के घर खास करके 1 से 2 दिन 3 दिन के अंदर ऑल ओवर इंडिया में पहुंच जाते हैं। तो ये सारे के सारे पैकेजिंग किया जा रहे हैं, या आम के पौधे, कटहल वगैरह काफ़ी सारे फ्रूट प्लांट के पौधे यहाँ रखा है, सब पैकेजिंग किया जाएगा और ये ट्रेन के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया में पहुँचाया जाएगा। तो आप लोग पूरी ये वीडियो में देख सकते हैं किस तरह पैकेजिंग किया जा रहा है और पैकेजिंग होने के बाद कस्टमर के घर पे पहुंचते हैं तो कस्टमर हमको वीडियो भेजे, उस वीडियो के अंदर पौधे को क्या कंडीशन है, टूटा है या सूख गया है, किस तरह पहुंचे, वो पूरी इस वीडियो में दिखाया जाएगा। ठीक है, इससे पहले हमने आप लोगों को दिखाया जाए हमारा जो कोरियर पार्सल हम किस तरह पौधा पैकिंग करके भेजते थे वो हमने दिखाया था। अब हम ये आप लोगों को दिखा रहा हूँ ट्रेन पार्सल की। हम दोनों सर्विस के बारे आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग पौधा खरीदने से पैसे जान लें किस तरह पैकेजिंग किया जाता है, क्योंकि ऑनलाइन पौधा काफ़ी अच्छी कैसे पहुंचेगा वो डिपेंड करते हैं खास करके पैकेजिंग के ऊपर। अगर पैकेजिंग अच्छी होंगे तो हम आशा करता हूँ पौधे भी अच्छी तरीके से पहुंचेगा। ठीक है, तो पैकेजिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इसीलिए हम पैकेजिंग के जो सिस्टम है वो आप लोगों को बार बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये सब कितने बड़े बड़े लंबे लंबे हाइट का, 5.5-6 फीट की हाइट का, ये सब आसानी से ट्रेन के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी किसी भी कोने में पहुँच जाएगा। मतलब ट्रेन पार्सल मतलब ऐसा होते हैं, आपके नज़दीकी जो जंक्शन रेलवे स्टेशन होगा वहाँ हम भेज देते, एक थर्ड पार्टी के माध्यम से हम भेजते, फिर उस थर्ड पार्टी के बंदा वहाँ एजेंट होता है, उनके पास पहुँचते हैं, वो उतर के रख लेते हैं, फिर कस्टमर को कॉल करते, कस्टमर वहाँ जाते हैं, फिर कस्टमर वहाँ से लेके आ जाते हैं। तो मतलब कस्टमर किसी भी टाइम पर जाके वहाँ से स्टेशन से पौधा लेके आ सकते हैं, लेकिन जंक्शन स्टेशन होना चाहिए, वो भी बड़े जंक्शन स्टेशन होना चाहिए जहाँ डायरेक्ट ट्रेन के माध्यम से हम पौधा भेज सकते हैं, ऐसे जंक्शन होना चाहिए, छोटे जंक्शन पे सर्विस नहीं हो पाता है। ठीक है, ये है ट्रेन पार्सल की भेजने की प्रोसेस। ये प्रोसेस तो हमने आप लोगों को बताया हो किस तरह ट्रेन पार्सल भेजा जाता है, तो आप लोग ये सब पूरा देख सकते हो किस तरह हमने ये पौधा को अंदर एकदम पूरी सजा के इसमें बोरी के अंदर डाला जा रहा है, फिर इसको हम अच्छी तरीके से बांध देंगे, फिर इसको बांध के गत्ते लगाएंगे, फिर उस गत्ते के पास बांस की सहारा देंगे, फिर हम इसको बोरी से लपेट के मतलब रोसी से लपेट देंगे पूरे बोरी के ऊपर, फिर एकदम टाइट हो जाएगा। तो इसके अंदर करीब 5-6 दिन तक अगर पौधा रहेगा तो सूखेगा नहीं। ठीक है, इतना अच्छे तरीके से ये पैकेजिंग किया जाता है। आप लोगों के मन में सवाल आ सकता है, यार भैया इसमें हवा ऑक्सीजन क्या मिलेगा, तो यार हवा ऑक्सीजन की कोई बात नहीं है, 4-5 दिन तक इसमें आराम से ज़िंदा रह सकते, पौधों को टूटने की बिल्कुल भी चांस नहीं होता, क्योंकि इसके ऊपर और भी सामान डाला जाता है जिसके कारण से बांस की सहारा भी दिया जाते, तो पौधा टूटने का बिल्कुल भी संभावना नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है टूटता भी नहीं, लेकिन हो भी सकते हैं बाई चांस एक आध टूट भी सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी सेफली पहुंच जाते हैं, वो भी ऑल ओवर इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन के अंदर पहुंच जाते हैं अगर जितने भी दूर हो। ठीक है, तो ये है ट्रेन पार्सल की प्रोसेस आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। इतने अगर इस प्रोसेस के माध्यम से अगर भेजा जाए ट्रेन पार्सल तो ये जल्दी पहुंच जाते हैं कस्टमर के घर पे, और जो डिलीवरी खर्चा है वो काफ़ी कम लग जाता है, लेकिन कस्टमर को स्टेशन से लेके जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये है प्रोसेस ट्रेन पार्सल के बिना। देखिए कितना अच्छे तरीके से ये हमने जो हमारी बंदे है ये बांध रहा है, इसको कितना अच्छे तरीके से बांध रहे, एकदम पूरी तरह टाइट से बांधा जा रहा है। इसके ऊपर अगर और भी सामान भी डाला जाता है और डालता भी है तो ये कुछ दबेगा नहीं, ख़राब होने के बिल्कुल भी संभावना नहीं है। ठीक है, आराम से 5-6 फीट तक हम ट्रेन पार्सल के 5.5-5 फीट तक आराम से हम भेज सकते हैं। ये सब रेडी हो चुका है, अब गाड़ी आएगा, फिर गाड़ी यहाँ से उठा लेके चला जाएगा। देखिए दोस्तों, जो वीडियो हमने बनाया था पैकिंग की और कस्टमर के घर पहुँचे, कितने अच्छे तरीके से प्लांट आप लोग देख सकते, किसी भी तरह की डैमेज नहीं है, बिल्कुल एकदम स्वच्छ पौधा पहुंच चुका है, जैसा नर्सरी में मिलते ठीक इसी तरह पहुँचे। ये भी 4 दिन के अंदर पहुँचा है, तो 3.5 दिन आप कह सकते हो ये
केरला पहुंचे। तो दोस्तों वीडियो ही खत्म करते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, आप लोगों मन में सवाल है तो पूछ सकते हैं।